छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नागपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से संवाद साधा। इस समय उन्होंने मोदी सरकार को मायावी सरकार कहते हुए जनता को ये सरकार गुमराह कर रही है, साथ ही उन्होंने भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर टिप्पणी की है। आयोजित पत्र परिषद में प्रमुखता विधायक व नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास ठाकरे, पूर्व मंत्री राजेंद्र मुलक, प्रदेश पदाधिकारी विशाल मुक्तिवार, अतुल लोंडे उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल आज नागपुर पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में गए और अभी मंत्री बनी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा और उन्हें बिकाऊ कह दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महाराजा को बेचने के लिए महाराजा लाया गया है और दोनों ही बिकाऊ है। भूपेश सिंह बघेल ने साफ तौर पर कहा कि सब कुछ बेच डालूंगा, इस नीति पर चल रहा है। प्लेन बेचने के लिए किसे दिया है? एयर इंडिया का प्लेन बेचा जा रहा है, उसको बेचने के लिए सिंधिया जी को दिया गया है। एयर इंडिया का लोगो क्या है? महाराजा वह कह रहा है कि महाराजा आए हम बिकाऊ है, एयरपोर्ट भी सिंधिया जी भी, एक बिकाऊ है दूसरी संस्था को बेचने की जिम्मेदारी ली है, सब कुछ बेच डालेंगे तो लोग क्या करेंगे। बड़े हास्यास्पद बात करते हैं। अभी जीएसटी उन्होंने लागू किया, जीएसटी लागू किया तो जो उत्पादक राज्य है उस पर उन्होंने कंपनसेशन करने की बात की 2022 तक, और अब क्या कर रहे हैं? भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि हम जीएसटी के पैसा आपको नहीं दे पा रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट में कर्जा लो। मैं समझता हूं कि ऐसा आदेश पहली बार हुआ है और सभी उत्पादक राज्य, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, जितने उत्पादक राज्य हैं वो जीएसटी भारत सरकार नहीं दे पा रही है और उसके लिए कर्जा हम लोग ले रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं, तो कर्जा लेने की बात वो खुद कह रहे हैं। आप साफ सफाई कर दो, 25% अधिक, 0.25% अधिक आप कर्जा ले सकते हैं। बिजली में आप सुधार कर दीजिए, 0.25% आप कर्जा अधिक ले सकते हैं। आप पीडीएस में सुधार कर दीजिए, 0.25% फिर से ब्याज कर्जा ले सकते हैं। कर्जा लेने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? जीएसटी दे नहीं पा रहे हैं, मैं नहीं समझ तक महाराष्ट्र ने दिया होगा हमको अभी तक। 20,000 करोड़ है ना, 30,000 हमारे यहाँ भी स्थिति यही है। सेंट्रल एक्साइज का और जीएसटी मिला के हमारे यहाँ भी 26,000 करोड़ का बैकलॉग है। इनके यहाँ 96,000, वो पैसा दे देना भाई भारत सरकार जिससे हमको लेना है, हम क्यों कर्ज लेंगे? और पेट्रोल डीजल के भाव क्यों बढ़ा रहे हैं आप? उसको कम कर दीजिए, महंगाई कम हो जाएगी, आम जनता को क्यों सजा दे रहे हैं आप? इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई को केंद्र सरकार की टीम बताया। भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी मध्य प्रदेश नहीं जाएगी, हरियाणा नहीं जाएगी, यूपी में नहीं जाएगी, भाजपा शासित राज्यों में नहीं जाएगी। सीबीआई हो चाहे आईटी हो, या सारे ग्रेड वही पड़ेंगे जहां गैर भाजपा शासित राज्य है। यह सबका उपयोग कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में एक समय 11 क्रिकेट खेलते थे, साथ में 2 एम्पायर भी खेलती थी, 13 खिलाड़ी खेलती थी। उसी तरह से आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ती, उसके साथ साथ आईटी पार्टी, ईडी पार्टी, सीबीआई पार्टी भी यही लड़ती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ क्षितिजा देशमुख, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।